हेलो यू ऑल एस पी सिंप्लीफाइड और करंट दृष्टि जो घटना चक्र की बुक आती है ना उसमें हम लोग आज ऐप वाले पोर्शन को देखने वाले हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया रिलीज किया गया है करंट दृष्टि जो एकदम लेटेस्ट लेटे एडिशन है फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेके फिफ्टींथ ऑफ अप्रैल दो तक उसको हम लोग यूज़ करेंगे आप इसको वेरियस एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो जैसे यूबीपीसी एस बीपीएससी एम पी एचपीएससी जो भी स्टेट पी एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो मोस्ट सुटेबल बुक है उसके बाद आप इसको यूपीएससी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले जो हमारी पहली एप्लीकेशन है ऐप है जो, जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो है आपको खनन प्रहरी ऐप एप एप एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो एम है वो बेसिकली आपको क्या है इनकरेज टू तो इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एक्टिंग अगेंस्ट इलीगल माइनिंग तो आपको पता है हमारे कंट्री में या कहीं पर भी इलीगल माइनिंग जो होता है वो एक केस होता है जहाँ पे लोकल माफियाज क्या करते हैं इलीगल हिडन होकर के माइनिंग करते हैं जैसे हरियाणा वाला केस याद कीजिए डीएसपी को जो वो मार दिए थे इलीगल माइनिंग में क्या होता है कि बिना किसी ऑथराइजेशन के वो माइन करते हैं जो नेचुरल माइनिंग्स हैं जो नैचुर फार्म है उसको तो जो खनन प्रहरी ऐप है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है इसका एम है कैसे सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे जो इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए अब चलते हैं हमारा सेकेंड एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है वो है डिजी क्लेम या जो ऐप है यह एप्लीकेशन है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका बेसिक एम क्या है इसका बेसिक एम है टू एक्सप्रिटिंग द डिस्टर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम टू फार्मर हु हैव हुआ सेल्फ ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस तो जो भी क्रॉप इंश्योरेंस के लिए जो वो क्लेम कर रहे हैं डिस्बर्समेंट होगा उनका उसको एश्योर करना ठीक है ये डिजी क्लेम का

इसका बेसिक एम क्या है या फैसिलिटेट करेगा वैकल नेविगेशन टू द नियरेस्ट पब्लिक चार्जर फॉर ईवी यूजर्स देखिए इलेक्ट्रिक वहकल का जो यूजर्स होते हैं उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको चार्जिंग स्टेशन खोजने में बहुत दिक्कत आ रही है अभी हमारे कंट्री में लिमिटेड है ठीक अगर चार्जिंग स्टेशन लिमिटेड होंगे तो फिर जो ई वी व्हीकिल खरीदें उनको फ़ायदा क्या है खरीद करके फिर अगर उनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ रहा है अगर उनको चार्ज करने के लिए तो जितने भी ये ई वी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन है ना ये लोकेट करेगा बताएगा कि व्हाकिल को किस तरफ से नेविगेट करें तो नियरेस्ट पब्लिक चार्जर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमें मिल जाए वहाँ पे ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है जलदूत यह लाया गया आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बेसिकली यह क्या है टू इनेबल ग्राम रोजगार सहायक जी आर एस ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द वॉटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल ट्वाइस ईयर प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून देखिए क्या है कुछ वेल्स हैं कुछ कुएं हैं जिनको सेलेक्ट किया जाएगा ठीक है ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा यह मेजर करेंगे वाटर लेवल जो वाटर लेवल होती है वाटर टिप होती है वेल्स की कुएं की लगभग दो बार इसको मेजर करेंगे पहला मानसून से पहले दूसरा मानसून के बाद तो जलदूत ऐप याद रखिएगा वो ग्राउंड वाटर लेवल फॉर वेल्स के लिए इसको निकाला गया है हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका डीजी यात्रा ऐप डीजी यात्रा ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम एंड डी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम एंड डी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा निकाला गया है इसका बेसिक एम क्या है इसका एम है टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन एट एयरपोर्ट तो किस तरीके से विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हम लोग पैसेंजर को आइडेंटिफाई करेंगे एयरपोर्ट्स पर ठीक है तो ये आपको डिजी यात्रा ऐप है ये बेसिकली कोविड के बाद इसको लाने की इम्प्लीमेंट करने की विचार आई थी दिमाग में और इसको लाया गया है अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप तो ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाया गया है अब देखिए सोशल जस्टिस अब साइन लर्न क्या है मान लीजिए बेसिकली ये साइन लैंग्वेज की बात करेगी अब साइन लैंग्वेज किसको जरूरत होती है जो ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं तो एक तरीके से सोशल जस्टिस है सोशल अपलिपेंट अपलिफ्टमेंट है एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो आप इजिली इसको गेस कर सकते हो ठीक है यह जो है दस हजार वर्ड एक लैक्सिकन है डिक्शनरी टाइप का जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेगा इंडियन साइन लैंग्वेज को जो कि लगभग दस हजार वर्ड्स की कलेक्शन होगी इसमें ठीक है हमारा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो साथ ही मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा ठीक है अब देखिए सेबी क्या है जिस तरीके से आर है ना आरबीआई का काम क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये बैंकर्स बैंक है दूसरा होता है रेगुलेट रेगुलेट करने का रेगुलेशंस का काम होता है ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी पे से भी क्या करता है आरबीआई का एक तरीके से छोटा बेटा है ठीक है ये आपको रूरल एरियाज पे ठीक है छोटे मोटे चीज़ों में आर को सपोर्ट करेगा हेल्प करता है ठीक है क्योंकि आर हर जगह नहीं जा सकती है तो से भी, भी कुछ ना कुछ उसको काउंटर फिर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा हम लोग साथ ही मोबाइल ऐप की बात कर ले तो यह एप्लीकेशन जो है जो प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या चल रही है मार्केट में मार्केट में सिक्योरिटी लेवल क्या है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्टल के लिए नेक्स्ट ऐप के लिए तो निदान पोर्टल है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटा बेस ऑन अरेस्ट अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स देखिए नार्को ऑफेंडर्स मतलब साफ आपको पता चल गया कि यह नार्कोटिक्स के लिए है तो इसको लॉन्च किया गया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा यह जो है वन वन स्टॉप सॉल्यूशन है जितने भी नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स होते हैं जैसे कोई ड्रग्स लेके जा रहा है कोई कुछ लेके जा रहा है तो उनके डाटास को एक जगह कलेक्ट करेगा और साथ में ही हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को कि कैसे हम कौन कौन सी इफेक्टिव टूल्स को यूज़ करें तो डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करके जो नार्कोटिक्स केसेस है उसको सॉल्व करेंगे ठीक है एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पे पोर्टल वर्ड यूज कर रहा है पोर्टल कहने का मतलब ये होता है ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे आपको डेफिनेट लॉगिन आईडी एंड क्रेडेंशियल दिया जाएगा जहां से आप लॉगिन कर सकते हो वेबसाइट क्या होता है वेबसाइट में कोई भी एंटर कर सकता है ठीक है एंड एंड यूजर्स विदाउट एनी विदाउट एनी लॉग इन एंड पासवर्ड कैन एंटर बट पोर्टल में क्या होता है एक डेफिनेट आई एंड पोर्टल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कॉलेज आई डी हो गया कॉलेज की वेबसाइट होगी तो उसमें पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है आपको पी वाले पे आप चले जाइए पी सिनेमा पे तो कोई भी एंटर कर सकता है तो वो एक तरीके से वेबसाइट है अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपने ऐप पे जो है आपको गति शक्ति संचार पोर्टल यह लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका बेसिक एम क्या है या प्रोवाइड करेगा आपको ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक सिटीजन को ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एवरी सिटीजन ठीक है देखिए बेसिकली आपको क्या आना जैसे गति शक्ति आना तो दिमाग में क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ठीक है इंफ्रा आता है लेकिन नहीं दिमाग में आपको रखना है किस तरीके से ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ये बात का आपको ख्याल रखना है। निदान पोर्टल है तो यहां निदान किस चीज से आपको निदान चाहिए तो नार्कोटिक्स से चाहिए नारकोस से चाहिए की तो याद होने चाहिए क्योंकि तभी आप इसको कर सकते हो सॉल्व ठीक है क्योंकि क्या होगा की अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं चलते मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्टल नेक्स्ट ऐप की तरफ नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है वो है आपको संभव पोर्टल या लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा अब अगर आप यू पी दे रहे हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया तो संभव पोर्टल क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है बेसिकली यह डिस्पोज करेगा पब्लिक ग्रिवांसिस एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ टू डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश तो बेसिकली क्या है ना संभव पोर्टल के तहत क्या होगा कि यूपी गवर्नमेंट में कोई भी जो ग्रिवान्स होगा आपका वो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो स्कीम्स को जान सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में ठीक है एनी डिपार्टमेंट होगा यहाँ पे, टू डिपार्टमेंट नहीं होगा उत्तर प्रदेश में अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप एंड पोर्टल के बारे में पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्रही यह लाया गया आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट के द्वारा बेसिक इसका एम है स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स कैन बी एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल क्लासेज एंड सफाई कर्मचारी तो स्किल डेवलपमेंट का जो स्कीम्स हैं वो एक्सेसिबल हो कुछ टारगेट ग्रुप्स जैसे बैकवर्ड क्लासेस हो गए शेड्यूल कास्ट हो गए एंड सफाई कर्मचारी तक ये पहुंच पाए स्किल डेवलपमेंट जितने स्कीम्स हैं वो पीएम एम दक्ष याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव स्टार अब हम लोग बात करते हैं यूपी राही ऐप के बारे में यह लाया गया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा यह एक रोडवेज बसेस टिकट बुकिंग एंड पैसेंजर फीडबैक मोबाइल एप्लीकेशन है अगर आप यूपी में रोडवेज यूज कर रहे हो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो पैसेंजर्स अपने फीडबैक दे सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यह है यूपी राही अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन भी चलते हैं आपदा प्रहरी मोबाइल ऐप यह लाया गया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका बेसिक एम क्या है यह प्रोवाइड करेगा आपको इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वेदर अलर्ट्स वेदर में जो भी अलर्ट्स होंगे जैसे मान लीजिए अगर थंडा स्ट्रॉम होने वाला है रेन होने वाला है तो उसकी आपको इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपदा प्रहरी मोबाइल ऐप के द्वारा अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट ऐप जो है वो है आपको उद्यम सारथी ऐप यह लाया गया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका बेसिक एम क्या है यह इन्फॉर्मेशन अवेल करेगा रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब वैकेंसीज इन इंडस्ट्रीज इन द स्टेट इसमें क्या है आपको बेसिक जो भी आपको इंफॉर्मेशन होंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज क्रिएट होगी उसके बारे में यू स्टेट में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होगा यह आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है देखिए यहां कुछ यूपी के बारे में इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि यूपी पी ओरिएंटेड ये थोड़ा सा बुक है लेकिन ये बुक बहुत ही बेहतरीन है आप किसी भी स्टेट के पीसीस में इसको यूज कर सकते हो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है एक कवच पोर्टल ये भी लाया गया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका बेसिक एम क्या है टू इरेडिकेशन ऑफ जेपनीज इंसेपेफेलेटिटिस यह एक बीमारी है जैपानीज इंसेफेलेटिटिस इसको इराडिकेट करने के लिए यूपी से इसको लाया गया है ई कवच पोर्टल ठीक है चलिए अगर आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो तो बताओ आपको है ये किस किसकी वजह से होता है वायरस की वजह से बैक्टीरिया की वजह से फंगस की वजह से किसकी वजह से होता है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे फैमिली आई पोर्टल की लास्ट पोर्टल है ये ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है इसका बेसिक एम क्या है क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी फैमिली आईडी क्रिएट किया जाएगा unit, एक फैमिली की एक आइडेंटिटी होगी ये आइडेंटिफाई किया जाएगा फैमिली को एज ए यूनिट एक यूनिट की तरह और इम्प्लीमेंट किया जाएगा वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल उनको दिया जाएगा तो एक जॉब तो हर फैमिली में होनी चाहिए इसको एश्योर करेगा फैमिली आई डी पोर्टल एक तरीके से एक फैमिली की एक एक यूनिट इसको समझा जाएगा और इसको एक उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि अगर एक, एक फैमिली को फिर उसको रीच क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि उस फैमिली में एक जॉब है कि नहीं एटलीस्ट वन फैमिली वन जॉब होना चाहिए ताकि वो अपने लाइवलीहुड को ईजिली सस्टेन कर पाए ये था डिफरेंट डिफरेंट मेजर एप्लीकेशंस एप्स जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड कुछ गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा थैंक यू